आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैं 500 ग्राम गाजर ले ली हूँ, अच्छे से पानी से वाश कर ली हूँ। मैं कद्दूकस कर लूंगी पूरे गाजर को। देखिए, अच्छे से मैं कद्दूकस कर ली हूँ। फिर इसके लिए मैं पैन में 2 चम्मच घी डाल दी हूँ। घी गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें कद्दूकस गाजर करके रखी थी उसे भी मैं डाल के उसे हल्का धीमी आंच पे उसे मैं अच्छे से पका लूँगी। फिर देखिए, जब अच्छे से अलट पलट के उसे धीरे धीरे पकाऊँगी, पूरा उसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब पक जाएगा तो। ठीक है, उसी तरह मैं पलटूंगी। फिर उसमें मैं 1 चम्मच घी ऐड कर दूंगी। ऐसे अच्छे से पकाऊंगी। ये आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 1 कप मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा दूध भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। आप इसे घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सर, गाजर का हलवा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठंडी का मौसम, सर्दियों के मौसम में तो गाजर बहुत मिलता है और सबको बहुत ही पसंद रहता है, इसीलिए सब कोई सर्दी के मौसम में ज़रूर गाजर का हलवा बनाता है। और सर, ढक दीजिएगा तो और जल्दी पक जाता है। इसे ढक के आपको धीमी आँच पे ही पकाना है। फिर मैं थोड़ा सा दूध का मलाई भी रखी थी उसे भी मैं डाल दूंगी, उसे और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। आप इसमें चाहे तो खोआ भी ऐड कर सकते हैं। इसे मैं सिर्फ घर के पे 1 कप दूध था मैं उसी को मैं डाल के बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा। आप सब गाजर का हलवा एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ठंडी का मौसम। इसमें मैं चीनी ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खाने में दोस्त बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे आप घर पे एकदम कम चीज़ों से आप बना सकते हैं। तो मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा काट के रखी थी, आप अपने हिसाब से ज़्यादा आया कम कर सकते हैं। आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं। मेरा हलवा बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से टाइम भी नहीं लगा, कितना जल्दी से बन गया। इसी तरह आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। इसी मेरी रेसिपी के अनुसार ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा लो। अब चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। एक बार आप मेरे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा है मेरा रेसिपी के अनुसार। देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप सबको देखिएगा, देख के ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी दिख रहा है। आप सब जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताएं कि मेरे गाजर का हलवा कैसा बना। बाय बाय दोस्त, बाय बाय।